चैनल ग्लैम विद प्राची, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं आज घूमने के पर्पज से। मैं फर्स्ट टाइम अभी निकल रही हूँ, जब से आई हूँ अतर्रा। तो उदयन सो गया है, मम्मी उसको रखे हुई है और हम तीनों लोग दोनों भाभी और मैं तीनों लोग जा रहे हैं प्रदर्शनी देखने। तो अतर्रा में बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगी है जो हम लोगों ने सुना है, तो हमने सोचा चलते हैं देख आते हैं हम भी। तो चलते हैं हम लोग और वहां चल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या है, जो सुना है सच में है कि नहीं। और दोपहर में इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि अभी बाहर द्वार में कोई नहीं है, वरना शाम के टाइम पे ना यहाँ पूरे द्वार में एकदम सब लोग भर जाते हैं, तो फिर आने जाने में ना थोड़ा सा हेजिटेशन सा होता है। वो सुमित बुला तो रहा है, बुला है दिया रहे नहीं, सुमित बुला रहा है, हाँ बुला रहा है। गए हैं, दिखाऊं आपको पीछे उधर जो पूरा बंद बंद सा आपको लग रहा है ना, दिख रहा है पूरा उसी के अंदर है। तो अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या सामान है। अच्छा, लौटते टाइम यहाँ से फिर ये वाले रिक्शा मिल जाएंगे? अभी तो नहीं भैया दिख रहे हैं, अब पता नहीं रात टाइम दिख जाए तो दिख जाए। चलते हैं अंदर। और मैं ना सच बताऊँ मतलब मायके ही मैं पूरे 1 साल बाद आ रही हूँ, और अतर्रा में टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज़्यादा नहीं बाहर निकलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना जैसे नहीं होता है ना, तो जब मैं कभी निकलती हूँ ना तो बड़ा अजीब सा मुझे लगता है थोड़े टाइम के लिए, फिर एक टाइम बाद फिर सही ठीक हो जाना होता है, ओके ओके हो जाते हैं। हाँ तो अभी स्टार्ट ही हुई होगी ना, धूप बहुत तेज है अंदर, इतनी धूप नहीं, पेड़ पौधे हैं ना। और अभी आपको प्रदर्शनी का व्यू दिखा दूँ तो हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, तो ऑलमोस्ट जितनी भी शॉप थी ना सब बंद थी, मतलब कुछ कुछ खुलना स्टार्ट हो गई थी, कुछ खुल गई थी, कुछ खुल रही थी, कुछ बंद थी, ऐसे वाला सीन था। और हम लोग ना एग्जैक्ट 1 बजे पहुँच गए थे और यहाँ की ना ओपनिंग टाइमिंग ही वही 1 बजे की है, तो इस वजह से ना बहुत सारी शॉप नहीं खुली हुई थी। बट हाँ ये है कि हम लोग जैसे जैसे देखते गए हैं सामान जहाँ जहाँ खुला हुआ था, फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा है ना कि सारी की सारी शॉप खुल गई थी और हमें मतलब जितना भी एक्सप्लोर करना था, जितना भी देखना था ना, सब कुछ हमने देख लिया है। और इधर साइड आपको दिखाऊं, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है यहाँ, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बच्चों को क्या होता है, यही सब खेल खिलौने हैं, झूले हैं, यही सब में इंटरेस्ट होता है, तो बच्चों के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। और मैं देख रही थी ना जाते जाते टाइम पर भी देख रही थी, जितनी लेडीज आ रही थी ना ज़्यादातर उनके साथ बच्चे आ रहे थे क्योंकि उनको ये था ना कि हाँ चलो आइसक्रीम खाएंगे, झूले झूलेंगे। सामान भी मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ, तो चलिए चलते हैं अभी। अब जिधर शॉप है उधर मैं अब आप लोग को सामान दिखाती हूँ। तो सामान की बात करूँ तो सब कुछ ना बहुत तो लो प्राइस में था, हाँ जिसको अच्छी खासी कम पैसों में कम बजट में शॉपिंग करना है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और ये सेल आप लोग देख सकते हो 100 रुपीज़ में स्वेटर हैं, तो ये सब देख करके ना मुझे डेली के सरोजनी मार्केट की याद आ रही थी क्योंकि वहाँ भी ना ऐसे टाइप का ही सारा कपड़ा आपको विंटर में मिल जाएगा 100 रुपये में और 200 रुपये में, हम 200 रुपये मैक्सिमम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं होता है स्वेटर में। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का ही लगा हुआ था, लेकिन हाँ ये कि प्रदर्शनी काफ़ी अच्छी है, मैंने फर्स्ट टाइम अतर्रा में देखी है जहाँ कपड़े भी इतने सारे मिल रहे हैं और सामान भी काफ़ी अच्छा खासा था। बट ये कि ऐसा कुछ लेने जैसा मुझे दिखा नहीं कि मुझे कुछ लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा सामान है।
यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, हैंडबैग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, अच्छे खासे अलग अलग डिज़ाइन में थे, लेकिन वही है ना कि मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं ये सब में। और हम लोग थोड़ी देर देखें, टाइम पास करें, टाइम पास ही बोल सकती हूँ, क्योंकि जिस भी शॉप में जाते थे ना, थोड़ी देर सामान देखते थे, टाइम पास करते थे। सारी प्रदर्शनी घूम लिया, देख लिया, इतना कुछ खास है नहीं, कुछ भी नहीं है। और अभी अब बस मैं जा रही हूँ, देख रही हूँ अगर गोलगप्पे वाले भैया ने गोलगप्पे का ठेला लगा लिया होगा तो वही खाएंगे और घर चले जाएंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है जिसको मैं कुछ लेने का मेरा मन करे, इंटरेस्ट आए, ऐसा मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखा। मतलब ऐसा नहीं लेने लायक है, बट मेरे पास ऑलरेडी इतना कुछ है, कपड़े हों या विंटर वेयर कलेक्शन हो या फिर गर्मियों वाला, तो अभी कुछ है नहीं यहाँ ज़्यादा, ज़्यादातर ठंडियों वाला ही दिख रहा है। और सूट टाइप के हैं, लहंगा वहंगा हैं जो कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत रखा हुआ है, तो वो सब कुछ लेने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए ज़्यादा मेरे मतलब का कुछ भी नहीं है। और सच बताऊँ तो कपड़े ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना कि अभी पहले वही ख़त्म हो जाएं, ले लेना होता है, लेकिन अभी यहाँ प्रदर्शनी से ये ऐसे 100-200 वाला लेने का मेरा मूड नहीं है। अभी ना बहुत सारी दुकानें बंद हैं, आपको दिखाऊं, कुछ खुलती जा रही हैं, कुछ बंद हैं अभी, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी आए हैं ना, तो इस वजह से अभी शाम के टाइम पे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लाइट भी जल जाती हैं, झूला वगैरह है ना बच्चों के खेलने के लिए, झूलने के लिए, भाभी लोग भी अपना टाइम पास ही कर रही हैं, सच बताऊं लेवे कुछ नहीं रही हैं, बस घूमे जा रही हैं, टाइम पास करे जा रही हैं। और यहाँ भी ना थोड़ा थोड़ा ना सरोजनी मार्केट वाली फील आ रही है, हाँ सरोजनी मार्केट वाली फील आ रही है, सेम वैसे ही 100-100 रुपए में उधर स्वेटर वाला कलेक्शन है और लोअर भी हैं, कुर्ते भी हैं, सब 100-100 रुपए में, तो लग रहा है कि डेली की सरोजनी मार्केट ही लग रहा है यहाँ लग गई है। तो मतलब जिसको कपड़े उपड़े लेना है ना उसके लिए काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, 100, 200, 300 ऐसे में। कौन से वाले, कौन से वाले लो, अभी और उधर पीछे साइड खुल गई है ना दुकानें, तो वहाँ भी चल रहे हैं भाभी लोग ना पूरा घूम करके। अच्छा वो घर गृहस्थी वाली, घर गृहस्थी वाली खुल गई, इनका दिमाग उसमें रख गया जो छन्नी कलछुल ये सब कुछ ना, औरतों को आप जानते नहीं हूँ, मैं भी देख लूंगी कुछ अच्छा लगेगा तो मेरठ के लिए ले लूंगी, बट ऑलरेडी मेरे पास बर्तन इतने सारे हो रखे हैं। इस वाली शॉप से हमने थोड़े बहुत सामान लिया हुआ था, लाइक क्लिचर है, हेयर बैंड है, ऐसे टाइप का बहुत सारी क्लिप्स हैं, तो ये सारी ना छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिया हुआ था, क्योंकि 5 रुपए में एक सेट मिल रहा था, तो मुझे ठीक लगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर 2-4 दिन भी लगाने के बाद टूट जाएगा तब भी इतना वो नहीं है। तो मैंने एक ना ये पूरा ब्लैक कलर का सेट लिया था 5 रुपए में, सोचो मिल गया है, तो यही ना मैंने सब छोटी मोटी चीज़ें आप बोल सकते हो 40-50 रुपए में लिया हुआ था, क्योंकि ज़्यादा और मुझे कुछ चाहिए था नहीं, लेकिन ये था कि चलो आटे के प्रदर्शनी आई हूँ तो कुछ थोड़े बहुत लेना बनता है। और दूर से आप देखो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और फिर जब पास जा करके देखो ना तो उतना फिर मन करता नहीं लगता, अरे यार ये तो ठीक है ऑलरेडी है अपने पास नहीं। तो हमने घूम लिया, देख लिया है, और शॉपिंग भी मैंने कर लिया है, आपको दिखाऊँ, एक सेट मैंने कान के ले लिया है, और क्या लिया है, एक हेयर बैंड लिया है, और कई सारी मैंने रबड़ बैंड ली हुई हैं, तो मैंने भी शॉपिंग कर ही लिया प्रदर्शनी से, आप बोल सकते हो 100-150 की, लीजिए बैग में डाल लीजिए। ऐसे टाइप के मेरे पास एक झूमक है, लेकिन वो थोड़ा सा साइज में ना छोटे ही है, मुझे बड़े साइज के दिख रहे थे, 120 का मिल गया है, तो मैंने ले लिया। जाइए घूमवाइए फिर इन लोगों, अभी और घूमना है, क्या करेंगे बैठे, गोलगप्पा खाइए और चलिए अब घर चलते हैं, 5 मिनट बोल रहे हैं, तो अभी अब हम लोग पेट पूजा कर लेते हैं, कहाँ यहाँ खाने पीने की भी खुली व्यवस्था है, आप बोल सकते हो बैठ करके आराम से ना खाओ पियो, तो वैसे भी घूमने फिरने कहीं बाहर जाओ ना तो मेन खाने वाला एम ही रहता है, कि जब तक कुछ खाओ पियो ना तो घूमना अधूरा लगता है, क्या थकता बहुत है दुकानदार, एक तो कौन सा कह रहा है।
अरे अब वही है ना कि इन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अपना बनाना है तो, लेकिन हाँ ये है कि इतना बड़ा भी नहीं है इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है घूमने लायक, आप आराम से घंटे दो घंटे यहाँ टाइम पास कर सकते हो और खाओ पियो और अपने घर निकल जाओ। शाम के टाइम पे लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता होगा, हम लोग दोपहर में आए क्योंकि शाम को मैं फिर उदयन को छोड़ करके अकेला नहीं आ सकती थी ना, अभी बच्चे की वजह से ना मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाती हूँ। और अभी आपको दिखाऊँ हमने भेलपूरी खाई हुई थी, गोलगप्पे का प्लान फिर हमने कैंसिल करके भेलपूरी खा ली क्योंकि उनको ना भैया को थोड़ा सा टाइम लग रहा था, वो बार बार 5-5 मिनट बोल रहे थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने बोला कि चलो छोड़ो भेलपूरी खाते हैं और घर चलते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये भैया कैसे बना रहे हैं, और घर में भी हम लोग बनाते हैं ऐसे ही सेम तरीके से, प्रोसेस सेम ही होता है बट मार्केट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये लोग ना कुछ ऐसी ना गीली गीली सी चटनी रहती है पानी पानी टाइप की उसको ऐड करते हैं, और मैं समझ नहीं पाया करती थी कि यार मार्केट वाली भेलपूरी इतनी ज़्यादा टेस्टी क्यों लगती है, लेकिन अब ये समझ में आता है कि ये लोग ना जो गीली वाली चटनी मिलाते हैं और नमकीन इनके पास बहुत सारी वैरायटी में रहती है अलग अलग, घर में तो हमारे पास एक है दो है वही मिला करके काम चला लेते हैं, इनके पास ना 4-5 तरह की नमकीन रहती है, तो ये आप देख सकते हो कुछ पानी टाइप का है ना, इससे भेलपूरी का टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है, घर में थोड़ा सा इसकी कंपेयर में सिंपल सिंपल सा लगता है। तो बस अभी हम लोग खाएंगे भेलपूरी और घर चले जाएंगे। तो चलो अभी अब मैं अपने वीडियो का भी एंड करूँगी क्योंकि इसके आगे फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया हुआ था। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।